दोस्तों, बॉबी देओल के लिए 2025 का साल मुझे लग रहा है कि काफी ऐतिहासिक रहेगा, और ऐसा ही साजिद नाडियावाला के लिए भी है, और ऐसा बोल सकते सलमान खान के लिए भी है। साजिद नाडियावाला ने बहुत दिनों के बाद, उनके भी टाइम ठीक नहीं चला, उन्होंने दो पिक्चर का अनाउंस किया। एक तो 2025 में उन्होंने सिकंदर बना रहे हैं, जो कि 2025 को ईद में आएगी, और दूसरा हाउसफुल 5। तो सिकंदर का आपको पता ही है कि आर मुर्गस जो हैं उसके डायरेक्टर हैं, जो इन्होंने पहले गजनी बनाई थी, काफ़ी बड़ा नाम है उनका। और दूसरा जो है हाउसफुल 5, इसको लगा कि 2025 में बकरीद को रिलीज होगी। अब ये जो पिक्चरें हैं, जो आपको पता हो कि इसका जो पहले तो फ्रेंचाइजी है, काफ़ी अपने टाइम में बम्पर हिट रहा है, और इसके हर में देखेंगे हाउसफुल 5 में तो अक्षय कुमार जरूर रहे हैं। अब इसमें बॉबी देओल को छोड़कर देखा जाए तो साजिद नाडियावाला हो गए, या उनके पिक्चर जो और आ रही है सिकंदर, जिसमें सलमान खान है, सलमान खान हो गए, या अक्षय कुमार हो गए। अक्षय कुमार भी कोई बहुत बड़ा हिट पिक्चर नहीं दे पाया अभी तक, ज़्यादातर पिक्चरें ओ माई गॉड 2 को देख के अलावा ज़्यादातर पिक्चरें नहीं चली बॉक्स ऑफिस में, थोड़ा बहुत ओ माई गॉड चली। तो सबको एक बहुत ज़बरदस्त हिट पिक्चर की तलाश है या इंतजार है। तो आज मैं बताऊंगा कि ये पिक्चरों में क्या ऐसा है कि अब कैसे उन्होंने अनाउंस किया कि बॉबी देओल इसमें हो सकते हैं या हैं, ये सारी बातें न्यूज़ में बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और अब मैं बोल रहा हूँ ये बॉबी देओल का पे न्यूज़ है, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है, और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट करते रहें। आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम आप कमेंट तो करते रहें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में बॉक्स ऑफिस worldwide.com में एक रिपोर्ट छपी है, उससे पता चला कि साजिद नाडियावाला ने अक्षय कुमार के हाउसफुल 5 को बकरीद 2025 के लिए शेड्यूल किया, मैंने लॉक कर दिया, जो बॉलीवुड अक्षय कुमार के फैंस के लिए डबल धमाका होने वाला है। और ऐसे ही मैंने आपको बताया कि सिकंदर जो है ईद 25 में रिलीज करने वाले हैं। तो इस तरह साजिद नाडियावाला दो बड़ी बड़ी हिट पिक्चरें देने जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो पहले आपने देखा होगा जितने भी किस्तें हुई हैं, उसमें अक्षय कुमार हैं, अभिषेक बच्चन हैं, रितेश देशमुख नजर आए, उसके अलावा इसमें जॉन अब्राहम भी रहे हैं, अर्जुन रामपाल रहे हैं, ये बॉबी देओल भी रहे। लेकिन अब ये आ रहा था कि भाई जो हाउसफुल 5 बन रहा था, कहीं से खबरें नहीं आ रही थी कि भाई इस मूवी में बॉबी देओल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अब ऐसा खबरें आ रही हैं सूत्रों के हिसाब से कि इसमें जॉन अब्राहम को भी रख रहे हैं, अर्जुन रामपाल को भी रख रहे हैं, और बॉबी देओल भी रहेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जैसा कि आपने सुना होगा कि एक पिक्चर आती है जॉली एलएलबी 2 भी आई। अब जॉली एलएलबी का जो तीसरा वॉल्यूम है, तो पहले वाले वॉल्यूम में देखे होंगे तो उसमें जैसे अरशद वारसी थे, दूसरे वाले में अक्षय कुमार थे, लेकिन तीसरे वाले वॉल्यूम में दोनों को रखा गया है। तो ये मतलब स्ट्रेटेजी होता है, डायरेक्टर होता है, वो सोचता है कि किस तरह से मतलब जिज्ञासा क्यूरियोसिटी दर्शकों में पैदा किया जाए, जिसकी वजह से वो दर्शक 300-400 रुपए खर्च करके थिएटर तक आए, और कई बार इसमें सफल भी हो जाते हैं। जैसे कि अब देखिए, अगर शायद जॉनी एलएलबी जो 2 थी, अगर ऐसा 2 है वो अगर सॉरी 2 थी, तो उसमें अगर फिर 3 में अगर अक्षय कुमार या अकेले अरशद वारसी को लाते तो दर्शकों में क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होती। लेकिन अब इसमें दोनों को रख दिया तो एक दर्शकों में जिज्ञासा पैदा की कहानी क्या होगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि सारे लोग जॉन अब्राहम हो गए, अर्जुन रामपाल हो गए, और उसके बाद आप देखिए कि बॉबी देओल हो जाएंगे, तो मतलब एक दर्शकों में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी कि तीनों का क्या रोल होगा, पिक्चर की कहानी क्या होगी। और इसमें जो जब ये एक नैरेटिव बना देता है ना डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या मेकर्स, तो सही तरीके से अगर वो दर्शकों की हिट करे तो, और कहानी या कॉन्टेंट भी अच्छा हो उसके साथ, मतलब अच्छे नैरेटिव भी जुड़ जाए, तो पिक्चर अपने आप में ही एक जिज्ञासा पैदा करने वाली हो जाती है। दर्शक पहली बार में तो जरूर उसको मूवी को देखने जाएगा, बाद में डिपेंड करता है कि उसकी कंटेंट कैसे हैं, एक्टिंग कैसे हैं, सब प्रोडक्शन वैल्यू कैसा है, इस तरह की सारी चीज़ें डिपेंड करने के बाद एक मूवी अच्छी बनती है। तो मुझे लग रहा है कि ये मूवी अगर इस तरह से कास्टिंग होगी तो जरूर एक बज क्रिएट करेगा, और एक क्यूरियोसिटी भी पैदा जरूर दर्शकों के अंदर करेगी। मैं भी देखने के लिए व्यग्र रहूंगा कि आखिर इतने बड़े स्टार कास्ट के, अब बहुत ज़्यादा स्टार कास्ट भी नहीं होना चाहिए कि वेलकम जो जंगल था उसमें तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना स्टार कास्ट भी होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़े से स्टार कास्ट बढ़ाने से अगर पिक्चर में कोई
एक बज क्रिएट हो तो उसमें मजा आएगा देखने में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।